हे अर्नोल्ड में अर्नोल्ड के सर पे बाल्ड स्पॉट क्यों था? क्या उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके बाल नोचे थे? डोनाल्ड डक को इतना गुस्सा क्यों आता था? और क्यों पॉप ऑफ गर्ल के क्रिएटर कैरिग मैकग्रेगन को इस सीरीज की वजह से अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा? इन सभी सवालों के आपको जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फैक्ट फ्लाई। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे फैक्ट्स जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। तो चलिए, फैक्ट नंबर वन, डोनाल्ड डक एक्चुअली में डक और लैम से इंस्पायर होके बना है। एक्चुअली कहानी यह है कि चार्लीज नैश नाम के वॉइस एक्टर डक जैसी आवाज में एक गाने की लाइन गुनगुना रहे थे जो ये थी, मैरी हैड अ लिटिल लैम। तो उनकी आवाज और लैम, बस ये गाना सुन के वॉल्ट डिज्नी के दिमाग ने दौड़ना शुरू कर दिया। उन दिनों मिकी माउस कितना पॉपुलर था सब जानते हैं, पर वॉल्ट को एक और कार्टून कैरेक्टर चाहिए था जो कि नेचर में मिकी से बिल्कुल अपोजिट हो। एक तरफ मिकी था जो कि फन लविंग, शांत और पॉजिटिव था, और जबकि दूसरी ओर उसके अपोजिट डोनाल्ड को बनाया गया जो कि काफी शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव और इम्परफेक्ट था। फैक्ट नंबर टू, स्कूबी डू सीरीज मैंने अपने बचपन में काफी देखी है, पर इसलिए नहीं कि इसमें एक कुत्ता सारे केस सुलझाता है, बल्कि इसलिए कि मुझे अपनी गली के कुत्तों से काफी डर लगता था। और जब मैं स्कूबी डू देखता था तब मुझे ये देखकर काफी खुशी होती थी कि हाँ, कुत्ते भी किसी से डरते हैं। वेल, एक सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा कि भाई ये ऐसा नाम क्या सोच के रखा होगा यार। तो मैं आपको बता दूं कि CBS चैनल ने फ्रेड सिल्वरमैन का ये कॉन्सेप्ट पहले रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें कुछ टीनेज बच्चे एक कुत्ते के साथ में मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, और जब वो वापस घर जा रहे थे तब फ्रैंक सिनाट्रा के गाने की लास्ट लाइन उनके कानों पे पड़ी थी, डूबी डूबी डू, और ये चीज उन्होंने अपने स्कूबी वाले आइडिया में फिट कर दिया। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों शुरुआती दिनों में वार्नर ब्रॉस, MGM एंड हाना बारबरा अपने कार्टून को 24 घंटे टीवी पे चलाने की सोच रहे थे, और इसीलिए उनको एक 24 घंटे वाला कार्टून डेडिकेटेड चैनल चाहिए था। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जब ये चैनल शुरू किया गया तब काफी सारे नए कार्टून शोज भी ऐड किए गए थे, जिसमें डेक्स्टर्स लैब भी था, और उस वक्त मोस्ट पॉपुलर शोज की वेटिंग लिस्ट में भी डेक्स्टर लैब ने बाजी मारी थी। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों क्या आपको पता है कि 1994 के पॉपुलर सिटकॉम सीरीज फ्रेंड्स और कार्टून नेटवर्क की सीरीज करेज द कॉडली डॉग के बीच एक कनेक्शन है? वेल, आपको ये जानकर शायद ताजुब होगा कि करेज की ऑनर म्यूरियल का नाम फ्रेंड्स के चैंडलर बिंग के मिडिल नेम से लिया गया है। और इतना ही नहीं, म्यूरियल के हस्बैंड यूस्टेंस का नाम भी इसी सीरीज के रोज गैलर के मिडिल नेम से लिया गया है। फैक्ट नंबर फाइव, शायद आज हर कोई पॉप ऑफ गर्ल सीरीज का दीवाना होगा, पर एक टाइम ऐसा भी था जब इसी सीरीज की वजह से इसके क्रिएटर कैरिग मैकग्रेगन को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। यस, जब शो लॉन्च हुआ तो बच्चों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इनफैक्ट एक 11 साल के बच्चे ने तो ये तक कह दिया था कि कैरिग को जॉब से निकाल दो, पर चैनल ने उसका उल्टा किया, उन्होंने शो जारी रखा और देखते ही देखते शो हिट हो गया। फैक्ट नंबर सिक्स, कार्टून नेटवर्क के अब तक के सबसे मजेदार कार्टून टॉम एंड जेरी को हम सब जानते हैं। यूं समझ लीजिए कि बचपन में आप अंगूठा चूसते थे या नहीं ये तो याद नहीं, पर टॉम एंड जेरी को कभी भुला नहीं पाएंगे। पर दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिस पे आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जब ये कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था तब इन दोनों के नाम टॉम एंड जेरी नहीं थे। क्यों लगाना झटका? दरअसल हमारे एंग्री फनी टॉम का पहला नाम था जैस्पर और हमारे क्यूट नन्हे जेरी का नाम था जिंक्स। यस, पर ये नाम उतने अट्रैक्टिव नहीं थे, इसीलिए नए नाम रखने के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया जिसमें एनिमेटर जॉन कर $50 जीते थे, जो कि उस टाइम लाखों रुपए के बराबर था, और फिर इस सीरीज का नाम रखा गया टॉम एंड जेरी। फैक्ट नंबर सेवन, स्पंज बॉब का ओरिजिनल नाम स्पंजी बॉय था, पर वो नाम पहले से ही किसी ने एक मॉब के लिए कॉपीराइट करवा रखा था, लेकिन क्रिएटर स्पंज बॉब का नाम पूरा बदलना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनका क्रिएशन एक स्पंज है तो हो सकता है कि बच्चे उसे चीज का टुकड़ा समझे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्टीफन हेलिंगबर्ग, जो कि मरीन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बॉय का नाम बॉब कर दिया, और फिर सामने आया हमारा फेवरेट स्पंज बॉब। फैक्ट नंबर एट, दोस्तों आजकल फिल्मों में एक ट्रेंड काफी पॉपुलर है, आपने कई फिल्मों में गेस्ट एंट्री देखी होगी, जैसे कि SRK की मूवीज, जीरो में सलमान खान, पर ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता है, कार्टून इंडस्ट्री में भी होता है। द सिम्पसंस के कई एपिसोड में आपने जाने माने सुपरस्टार और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की आवाज सुनी होगी। दोस्तों वो आवाज असल में किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की नहीं बल्कि माइकल जैक्सन की ही थी। माइकल जैक्सन खुद भी इस सीरीज के फैन है और उन्होंने इस सीरीज में अपनी आवाज दी थी।
फैक्ट नंबर 9, द फ्लिंटस्टोन्स कार्टून 1960s में काफी पॉपुलर हो गया था। इतना पॉपुलर कि कई ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए इस कार्टून सीरीज का सहारा लेते थे, जिसमें से एक था विंस्टन सिगरेट। एक एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि फ्रेड एंड ब्रैनी की वाइफ यार्ड की सफाई कर रही थी और ये देख के फ्रेड एंड बैरनी बोलते हैं कि लेट्स टेक अ विंस्टन ब्रेक। फिर दोनों जाके आराम से एक पत्थर के पीछे सिगरेट जलाते हैं और तभी विल्मा एंड बैटी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर 10 साल बाद यानी कि 1970 में स्मोकिंग प्रोडक्ट्स पे काफी सारे कानून ला दिए गए और सिगरेट एड्स को टीवी और रेडियो पर भी बैन कर दिया गया। इससे द फ्लिंटस्टोन के रेवेन्यू पर काफी असर पड़ा, पर फ्लिंटस्टोन्स तो फ्लिंटस्टोन्स था। उनके प्रोड्यूसर ने बाद में वेल्च ग्रैप जूस के एडवर्टाइजमेंट शुरू करवा दिए। फैक्ट नंबर 10, बच्चों में निकलोडियन अपने वेरियस कार्टून्स की वजह से काफी पॉपुलर रहा है और उनमें से एक है अर्नोल्ड। इस सीरीज के मेन कार्टून कैरेक्टर अर्नोल्ड को तो आप जानते ही होंगे, पर एक सवाल कई सारे लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा कि अर्नोल्ड के सर के बीच में ऐसा बाल्ड स्पॉट क्यों है? क्या वो बचपन से ही ऐसा था या फिर ब्रेकअप के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके बाल नोच लिए? और जब अर्नोल्ड बाल्ड स्पॉट को छुपाने के लिए टोपी पहनता है तब ये सवाल हमें और भी ज्यादा बेचैन कर देता है। पर फिर बाद में इसके क्रिएटर बैटर लेट ने जब इस सवाल का जवाब दिया तो सब और कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जवाब लॉजिकल से ज्यादा फनी लग रहा था। अर्नोल्ड के क्रिएटर कैरिग मिशेल बैटर लेट के मुताबिक ये बाल्ड स्पॉट इसलिए है क्योंकि अर्नोल्ड काफी देर तक टोपी पहने रहता है। सच में ये जवाब सुन के तो यही लगता है कि बैटर लेट शायद मजाक के मूड में थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।